नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मौली यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है यहाँ पे, जैसे कि जियो का F221S फ़ोन है और इस फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम है दोस्तों, आपके सामने फ़ोन है और देख सकते हैं इसमें जो प्रॉब्लम इंसर्ट सिम का है, सामने देख सकते हैं सिम के सिंबल पर कुछ कट का निशान है, यानी सिम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है कि सिम डैमेज है, सिम भी सही है, बट क्या प्रॉब्लम है चलिए हम देखते हैं। और एक बात बता दूँ कि यहाँ इससे पहले बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं जो कि वीडियो तो डाले हुए हैं, लेकिन जो सिम ट्रे से वहाँ तक का सप्लाई गया हुआ है उतना ही बताया, उससे आगे कुछ सप्लाई रहता है वो नहीं बताया। चलिए आज हम आपको बताते हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले जो है आपको करना क्या है, मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को जो है बजट की रेंज में सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने में मल्टीमीटर बजट की रेंज में सेट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम चेक कर लिए हैं कि मेरा मल्टीमीटर ओके है। उसके बाद जो है हमें चेक करना है यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिम ट्रे पे चेक करना है कि सप्लाई आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे साइड वाला जो है निगेटिव है, उसके बाद यहाँ पे रीडिंग आना चाहिए, उस पर भी रीडिंग आना चाहिए, देख सकते हैं रीडिंग आ रहा है और वहाँ पे भी हमें रीडिंग मिलना चाहिए जो कि, और इसके बगल का है उस पर भी हमें रीडिंग मिलना चाहिए जैसे कि यहाँ पे मिल रहा है। और ये जो सबसे लास्ट वाला पिन हम चेक कर रहे हैं इस पर कुछ भी रीडिंग नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं जो कि कुछ भी रीडिंग नहीं मिला है। और इसका सप्लाई जो है दोस्तों, वो हम जो मल्टीमीटर का ब्लैक बोर्ड रखे हैं वहाँ पर इसका सप्लाई जाता है, देख लीजिए जो 4 पॉइंट दिख रहा है उसका सबसे, उसके सबसे नीचे वाला पे। अब जो है बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि बताए हुए तो है वीडियो में कि मान लीजिए कहाँ से कहाँ तक का सप्लाई मिलता है, तो यहाँ से यहाँ तक बताता है तो इससे आगे नहीं बताता है। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक मेरा कंटिन्यूटी मिल रहा है, बट उस जगह पर हम इससे पहले चेक किए हैं जो कि रीडिंग नहीं मिल रहा है। देखिए फिर से हम चेक कर ले रहे हैं और यहाँ पर उस जगह पर रीडिंग मिल रहा है जो कि उसका फाइनल स्टेप है। बताता हूँ किस तरह से हम प्रेस किए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के पहले यहाँ पे हम जो पॉजिटिव पोर्ट है उसको निगेटिव में रख लिया और यहाँ पे चेक करें सप्लाई नहीं मिल रहा है। और इसका जो सप्लाई है इस कैपेसिटर से होते हुए आगे एक पॉइंट बना हुआ है वहाँ पे गया है, देख सकते हैं जो कि पॉइंट है और इस पर हमें सप्लाई मिल रहा है। हम सही से ट्रेसिंग किए, जब बहुत ज़्यादा जूमिंग करके हम देखें तो वहाँ वो ट्रैक गया हुआ है, वैसे बारीकी से आप देखेंगे तभी जा करके पता चलेगा, वैसे आपको पता नहीं चल पाएगा। जब आप आसानी से बारीकी से देखेंगे तो हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ रास्ता बना हुआ रहता है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले जंपर कर लेते हैं जो पॉइंट आपको दिखाए हैं, तो देखिए यहाँ पे जंपर हो रहा है। और कभी भी जो है दोस्तों आप काम करते हैं तो थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दिया कीजिए, मान लीजिए कि कहाँ पे है या किस तरह से कोई, अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे माइक का पॉइंट मिल रहा है तो उसका सप्लाई कहीं ना कहीं गया हुआ रहता है। अब यहाँ पर भी हम ट्रेस किए, मेरे पास कोई बोर्ड नहीं मिला उससे हम ट्रेसिंग करते तो फाइनल पता चल जाता, बट यहीं पर हमें इसी बोर्ड में मिल गया जो कि जब हम यहाँ पर देखे तो आगे जो है ये इसका जो लाइनिंग होता है वो गया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे हम जंपर कर लिए हैं इस पॉइंट पे, उसके बाद जो है दूसरा जंपर हम इस पर लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो है जंपर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, सबसे पहले फ़ोन ऑन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं रीडिंग की, क्या आखिर मेरा जो ये मल्टीमीटर का, मल्टीमीटर पर जो है रीडिंग कम्प्लीट मेरा सिम ट्रे उस पर आने लगा है या नहीं, तो मैं आपको चेक करवा देना चाहता हूँ। तो सॉरी भाई, यहाँ पे हम मोबाइल नहीं देखे थे और जिसके कारण हम रीडिंग आपको नहीं सही से दिखा पाए, बट रीडिंग जो है देखिए उस पर मिल रहा है, उससे आगे वाला पे है और यहाँ पे हम सिम ट्रे जो है आपको नहीं दिखा पाए हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट चलिए हम सिम जूम किए हुए थे वीडियो को जिसके कारण सिम ट्रे पर आपको रीडिंग नहीं चेक करवा पाए, बट इसका जो आगे वाला पॉइंट था वहाँ पर रीडिंग आ गया था वो आप देख ही चुके थे, क्योंकि वीडियो जो है पहले रिकॉर्ड हो गया था और ये ऑडियो हम बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए फ़ोन को ऑन कर लेते हैं और फाइनली चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ है। फ़ोन जो है मेरा कंप्लीट ऑन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए YouTube पे आपको ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं मिलेगा देखने को, बहुत सारा इस तरह का वीडियो है, हम भी देखे हैं, बट बहुत सारे जगह हमें एक ही जो फॉल्ट था वहाँ से बताया गया, लेकिन उससे आगे हमें नहीं मिला। उसके बाद जाकर के हमें खुद से ट्रेसिंग करना पड़ा, आगे हम ट्रेस किए, देखे, समझे, तो हमें लगा वहाँ पे है और दूसरा बोर्ड भी मेरे पास नहीं था, वरना तो क्विकली पता चल जाता, लेकिन यहाँ पे हम समझ गए क्योंकि वहाँ पे जो है एक सप्लाई, जब बहुत बारीकी से हम चेक किए तो सप्लाई आगे हमें मिल गया, दिख रहा था कि उस कैपेसीटर से होते हुए एक लाइनिंग जो है उस पॉइंट तक गया हुआ था, उस कैपेसीटर का जो पॉइंट था वहाँ पर भी नहीं मिला था सप्लाई और आगे का जो पॉइंट था वहाँ पे हमें मिल गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि सिम जो है, सिम प्रॉब्लम मेरा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं जो कि प्रॉपर कंप्लीट वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और
आज का ये बस यही वीडियो था। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए।